जैन साथियों, मैं नवीन जयहिंद, आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष। साथियों, आज एक महत्वपूर्ण विषय है जिसपे आप लोगों की राय भी जाननी है और जिस तरह की चीजें हो रही हैं आप देख रहे हैं। एक अभी कल एक चैनल ने एक सर्वे दिखाया है, ओपिनियन पोल। तो चुनाव आयोग से हम ये अपील करते हैं कि इस टाइम पे जब चुनाव चल रहा है तो ये ओपिनियन पोल दिखाकर बीजेपी की तरफ लोगों का ओपिनियन बनाने के लिए ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं। चुनाव आचार संहिता जब पूरे सिस्टम पे चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, तो भाई ये चैनल जब बीजेपी हार रही है, मैं आपको जानकारी दे दूं, हार रही है बीजेपी, बुरी तरह से हार रही है। अब बीजेपी सारा ले रही है चैनलों का, सर्वों का। ये पूरी तरह से मैनेज सर्वे है, पूरी तरह से। कल दिखाया है आर भारत ने कल दिखाया है। तो भाई जो कल दिखाया है उसमें जो चीज दिखाई गई है वो तो हकीकत नहीं है। और ये मुझे समझ में नहीं आया कौन सा नियम है, चुनाव आयोग क्या कर रहा है कि भाई जब आप चुनाव हो रहा है उस दौरान टीवी चैनल को सर्वे को मैनेज करके दिखा रहे हैं तो निष्पक्ष कैसे चुनाव हो जाएगा? जब लोग टीवी देखेंगे या न्यूज़पेपर देखेंगे, जब आप सर्वे आपके छप रहे हैं, तो इसको कैसे कह सकते हैं कि यह निष्पक्ष है? मोटा दिमाग लगा कर देख लो। अगर भाई जब कह रहे हैं कि 48 घंटे पहले बंद करेंगे, अरे 48 घंटे पहले तक तो दिमाग बन जाएगा भाई। जब चुनाव आचार संहिता लग रही है तो ये कौन से नियम कानून जिसने भी बनाया है या है क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे इनको परमिशन है कि कोई टीवी चैनल, कोई भी न्यूज चैनल कैसे सर्वे दिखा सके है, कैसे ओपिनियन। ये तो ओपिनियन पोल, क्या ओपिनियन बढ़ाने वाली बात होगी कि हम चुनाव आयोग को यह शिकायत कर रहे हैं कि ये सारे ओपिनियन पोल तुरंत बंद होने चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं है। और चुनाव आयोग देख रहा है भाई, आप लोग, ये कोई भी आदमी है कोई भी बता सके, सीधी सीधी मोटी बात है, इसमें कुछ घने दिमाग की बात है ही नहीं, सीधी ही बात है भाई। अब जब एकदम मतलब चुनाव के 2 दिन पहले ओपिनियन पोल आता है, उसमें जो सर्वे की जो रिपोर्ट दिखाते हैं जो पूरी तरह से सेट है, सेटिंग है, तो ये क्या हो रहा है? ये तो बीजेपी की दलाली हो रही है भाई, और क्या हो रही है इसमें? मतलब मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये कौन सा लॉजिक है, चुनाव आयोग निष्पक्ष कैसे कर रहा है, क्यों इसकी बीजेपी की बहू बना बैठा है भाई? आज चुनाव, 2-3 दिन बाद चुनाव है, आज सर्वे दिखाए जाएंगे, कल सर्वे दिखाए जाएंगे, तो सर्वे दिखाए जाएंगे क्या उसका मतलब है फायदा नहीं मिलता है जिसकी आप सर्वे दिखा रहे हो? आप आचार संहिता लगने से पहले दिखा लो, आचार संहिता लग, वैसे तो पोस्टर बैनर नहीं लगने देते, किसा का घर पर लग रहा है उसने भी तार दो। ये पूरी तरह से कैंपेनिंग बीजेपी के लिए कैंपेनिंग हो रही है। और हम चुनाव आयोग को भी और इस मामले को ले गया और कोर्ट में भी जाएंगे, लेकिन जब बीजेपी चुनाव हार रही है, उसकी हार साफ दिख रही है, उसको पता है, आप लोगों को भी पता है, इसकी बहकाई मारने की जरूरत नहीं है, दिखने लग रही है बीजेपी का कितने भी कोई कुछ सिस्टम नहीं है। एक तो भाई 75 बार 75 बार कर रहे हैं, तो भाई ईवीएम यार तो फिर 75 बार हो सके है, अगर ईवीएम यार नहीं है तो फिर नहीं होना कुछ भी पार इनका। तो जिस तरह की ये रिपोर्टिंग की जा रही है, इस रिपोर्टिंग के ऊपर तुरंत चुनाव आयोग संज्ञान ले। अगर चुनाव आयोग अपने आप को यह मानता है कि वो निष्पक्ष चुनाव करवा रहा है, नहीं तो भाई ये तो सीधी सीधी बात है, ये वैसे तो दिख लिया हार है, अब चैनलों के माध्यम से जीत जाओ। कल जो आर भारत जो है चैनल, उसने दिखाया है, आज और दिखाएंगे। अरे सब नवेरा है, बीजेपी के हैं सारे के सारे, ये चैनल जो फेवर में दिखाएंगे, एजेंडा वहां से तय होता है, अब क्या दिखाना दिखाना क्या नहीं। तो चुनाव आयोग ये कैसे मतलब भाई, जो ओपिनियन पोल आज चैनल दिखा रहे हैं, कल वो ना हो तो कित जाएंगे ये कि कौन जुर्माना लगा हुआ इस पे, फिर इनका कौन जूत मारेगा?
दिल्ली में भी 99 दिखा था, आम आदमी पार्टी की 10 सीट 15 सीट, 70 में तो 60 सीट आई थी। तो लेकिन कोशिश करी ना इनने खराब करने की। तो लोगों को, हालांकि हरियाणा के लोग तय कर चुके हैं कि बीजेपी का खुट्टा पाड़ना है, लेकिन बात चुनाव की है, चुनाव आयोग की है, तो चुनाव आयोग को यह देखना चाहिए। साफ साफ क्लियर बात है कि भाई जिस तरह से चैनलों पे, न्यूज़पेपर पे सर्वे दिखाए जाएंगे, लोगों का दिमाग पे असर डालता है, इसमें तो किसी ने कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो भाई ये तो वही हो गया, अपना मीडिया ने मैनेज कर लो पूरी तरह से, अपना फिर माहौल बनाए जाओ। तो इस विषय के ऊपर हम तो सभी को कह रहे हैं भाई इस चीज पर बात उठाओ कि ये बिल्कुल सही नहीं है। चुनाव आचार संहिता जब लगी है तो चुनाव आचार संहिता लग रही है, तो इस पर न्यूज वाला पर चुनाव आचार संहिता नहीं लग रही है, ये कैसे दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं? तो चुनाव आयोग इस चीज पर संज्ञान ले और ये जो कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर भाई लोग गुमराह हो जाएंगे इनके सर्वे देख कर, वे तो होने नहीं, लेकिन एक सिस्टम होना चाहिए, वो सिस्टम फॉलो नहीं किया जा रहा है। चुनाव आयोग को इसके ऊपर संज्ञान लेकर इस चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए और लोगों को जो डरा गए है ये, अकबर हमारी तो सरकार आवे, लोगों को डरा गए ये चीज कर रहे हैं, कदे गर्दन काटने की बात कर रहे हैं, कदे कुछ कर रहे हैं, दुनिया भर की आचार संहिता का उल्लंघन होने लग रहा है बीजेपी के द्वारा, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई किसी भी तरह की नहीं हो पा रही है। तो भाई अपने भी सुझाव दे दो, बता दो, तुम भी बता दो, मतलब सारे साथियों से सब दया अपील करूंगा, भाई मोटी बात है सोच के बता दो। अरे आज अखबार में पढ़ोगे, टीवी चैनल पर देखोगे, उसमें जो दिखेगा, क्या उससे माहौल 48 घंटे तक कभी सही टाइम पे सर्वे दिखावा है? 48 घंटे का क्या मतलब है? फिर चालन दो, फिर तो वोटिंग पड़े जब तक चालन दो, 48 घंटे तक ये फायदा होना है। जब वोटिंग चल रही हो ना, फिर तो जब भी चालन दो, 48 घंटे पहले का कौन सा लॉजिक है? चुनाव आचार संहिता जब 1 महीने पहले लग गई तो नहीं दिखने चाहिए। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव तभी मानेंगे, हम तो तभी मानेंगे इस चीज को, कि ये नहीं दिखा पाए। दिखा भाई, वोट गिरे पाछे दिखा लियो भाई ईव, लेकिन ओपिनियन ही है, ओपिनियन तो तुम बनाने लग रहे हो, कोशिश कर रहे हो बनाने की।